एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए एमसीसी ने अपनी रजिस्ट्रेशन स्केड्यूल काउंसलिंग स्केड्यूल टेंटेटिव डेट्स रिलीज कर दी गई है। एमसीसी के अंडर ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटें आती है और इसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एसिक और एएफएमसी कॉलेज पुणे की भी सीटें आती है। तो एमसीसी की स्केड्यूल रिलीज कर दी गई है। आप सभी स्टूडेंट्स एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर जाकर काउंसलिंग स्केड्यूल को चेक कर सकते हैं। काउंसलिंग स्केड्यूल के बारे में अगर जानें तो सबसे पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन डेट 19 जून से लेकर 24 जून के अंदर की रखी गई है। 19 जून 2019 से एमसीसी की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी और आखिरी डेट 24 जून 2019 की रखी गई है। हालांकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने की जो पेमेंट डेट है वो 25 जून 2019 दोपहर के 2 बजे तक की रखी गई है। इस प्रक्रिया के लिए टोटल 7 दिन का समय दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगली स्टेप रहेगी आप सभी की, एक बार आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो नेक्स्ट स्टेप रहेगी चॉइस फिलिंग, जिसमें आप कॉलेजेस को प्रायोरिटी वाइज सेलेक्ट करते हो और अपनी चॉइस फिलिंग करते हो। उसके लिए समय दिया गया है 25 जून 2019 सुबह 10 बजे से लेकर के 5 बजे शाम तक। 25 जून 2019 शाम के 5 बजे से पहले सिर्फ एक ही दिन का समय दिया गया है चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए। इस एक दिन में आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग शाम के 5 बजे से पहले कंप्लीट कर लेनी है। इसके बाद सीट अलॉटमेंट के लिए उन्होंने अपने पास 26 जून का समय लिया है, एक दिन का समय उन्होंने अपने पास रखा है सीट अलॉटमेंट के लिए। और आप सभी स्टूडेंट्स की रिजल्ट 27 जून 2019 को रिलीज कर दी जाएगी। 27 जून 2019 को आप सभी की रिजल्ट, आपकी जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है, आपकी जो क्रेडेंशियल्स है, वो क्रेडेंशियल्स से आप लॉगिन करके अपने रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जिस कॉलेज में भी आपको सीट मिलती है उस कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना होता है। इस रिपोर्टिंग के लिए आपको 28 जून से 3 जुलाई तक का समय दिया गया है। इस 6 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाकर के अगर आपको एडमिशन लेनी है उस सीट पे तो आपको एडमिशन लेनी होगी, या तो फिर अगर आपको अपग्रेडेशन के लिए डालना है जो राउंड 2 में होगा तो आप अपग्रेडेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए टोटल 6 दिन का समय दिया गया है। उसके बाद राउंड 2 काउंसलिंग एमसीसी की स्टार्ट होगी और राउंड 2 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन 6 जुलाई से लेकर 8 जुलाई के बीच का समय दिया गया है। रजिस्ट्रेशन सेकेंड राउंड की, जिसमें 8 जुलाई शाम को 5 बजे से पहले आप सभी को अपनी, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन फर्स्ट राउंड में नहीं कराया होगा उन सभी स्टूडेंट को सेकेंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन 8 जुलाई शाम को 5 बजे से पहले कराना होगा। हालांकि रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करने की जो डेट दी गई है आखिरी डेट वो 9 जुलाई दोपहर 12 बजे से पहले की रखी गई है। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद जो आप पेमेंट करोगे, रजिस्ट्रेशन अमाउंट की जो पेमेंट करोगे उसके लिए आपको एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला है। 9 जुलाई दोपहर 12 बजे से पहले आप पेमेंट कर सकते हो। 9 जुलाई को ही आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग भी करनी होगी, इसके लिए आपको एक दिन का समय दिया गया है। तो जो चॉइसेस हैं, जो भी कॉलेजेस, जिन कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है उनकी चॉइस फिलिंग के लिए आपको एक दिन का समय 9 जुलाई को शाम को 5 बजे से पहले कंप्लीट करनी होगी, फिनिश करना होगा। उसके बाद सीट अलॉटमेंट के लिए उन्होंने अपने पास 2 दिन का समय रखा है, 10 जुलाई और 11 जुलाई। 12 जुलाई को आपकी रिजल्ट आपके लॉगिन आईडी पर रिलीज कर दी जाएगी। आपकी रिजल्ट आपको, आप लॉगिन आईडी, यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के जब आप चेक करोगे तो आपकी रिजल्ट जो है सो 12 जुलाई को आपको पब्लिश कर दी जाएगी। एक दिन का समय इस रिजल्ट के लिए भी लिया गया है। और 13 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई के बीच में जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला, जिस कॉलेज में आपको अलॉटमेंट हुई है, जिस सीट की आपकी अलॉटमेंट हुई है, उस कॉलेज में जाकर के आपको रिपोर्टिंग करनी है और एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। इसके लिए आपके पास सेकेंड राउंड में 13 जुलाई से 22 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, डेट दिया गया है। टोटल 9 दिन का समय दिया गया है। इस 9 दिन के अंदर जाकर के आपको कॉलेजेस में जाकर एडमिशन लेना है। याद रखें यहाँ पे सेकेंड राउंड में आपको अपग्रेडेशन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, आप अपग्रेडेशन के लिए ऑप्ट नहीं कर सकते, आपको सीट लेनी ही होगी। और सेकेंड राउंड जैसे ही खत्म होता है वैसे ही आपकी ऑल इंडिया कोटा 15% सीटों की जो काउंसलिंग है वो खत्म हो जाती है, ओवर हो जाती है। ऑल इंडिया 15% सीटों में जो भी सीटें बचती है वो रिस्पेक्टिव स्टेट्स को, जिस स्टेट की सीटें जितनी बची है उन स्टेट्स को भेज दी जाती है, ट्रांसफर कर दी जाती है। इसके बाद आता है मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड उन सभी
ऑल इंडिया कोटा की 15% सीटों को छोड़कर जो बच जाते हैं, जैसे कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एसिक की जो सीटें बच जाती हैं उन पे मॉप अप राउंड कंडक्ट कराया जाता है। और मॉप अप राउंड के लिए आपको रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में ही कराना है। 15 अगस्त शाम को 5 बजे रजिस्ट्रेशन कराने का, मॉप अप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कराने का आखिरी टाइम शाम को 5 बजे तक का दिया गया है। टोटल 3 दिन का समय दिया गया है। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग के लिए 16 अगस्त का टाइम दिया गया है, 1 दिन का समय है। सीट अलॉटमेंट के लिए उन्होंने अपने पास 1 दिन का समय रखा है, 17 अगस्त को सीट अलॉटमेंट हो जाएगी और आपकी रिजल्ट 18 अगस्त को रिलीज कर दिया जाएगा। 18 अगस्त को आपके रिजल्ट मॉप अप राउंड की रिलीज कर दी जाएगी। रिपोर्टिंग के लिए टोटल 7 दिन का टाइम दिया गया है, 20 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में आपको जो भी कॉलेजेस मिलते हैं उन कॉलेजेस में जाकर रिपोर्टिंग करनी है और आपको एडमिशन प्रोसीजर को कंप्लीट करना है। जो भी सीटें मॉप अप राउंड में डीम्ड यूनिवर्सिटीज या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या एसिक की बच जाती है वो रिस्पेक्टिव कॉलेजेस को ट्रांसफर कर दी जाती है स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट कराने के लिए, और उन सीटों को 27 अगस्त 2019 तक ट्रांसफर कर दी जाएंगी। उसके बाद उन पर स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होता है। तो टेंटेटिव डेट्स जो एमसीसी की तरफ से रिलीज की गई हैं उन टेंटेटिव डेट्स को तो हमने जान लिया, बाकी आप जाकर के अपनी जो एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के चेक कर सकते हैं, या तो फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो करियर मीडिया की है उस पर भी जाकर के चेक कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस और अगर आप सभी कॉलेजेस कॉलेज वाइज डिटेल, स्टेट वाइज, कॉलेज वाइज कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं तो करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप एमबीबीएस की बुक बाय कर सकते हैं। उस बुक में आपको हर एक स्टेट की सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस, सभी प्राइवेट कॉलेजेस, उनकी इनटेक कैपेसिटी, उनके पेशेंट फ्लो, उनकी कट ऑफ कितनी जा सकती है, कैटेगरी वाइज कट ऑफ, हर एक डिटेल आपको उस बुक में मिल जाएगी। तो आप करियर मीडिया की ऑफिशियल वेबसाइट www.careermedia.net पर जाकर उसे बाय कर सकते हैं, या फिर आप नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसे क्लिक